बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिही व सहबी अजमाईन। اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا। सुर्खी है मा वक़ा फ़ीही बेगैरी लुगत अरब, यही है ना। फ़ीही में हाकी ज़मीर का मर्जे कौन है? कुरान करीम। ये फ़स्ल इस बयान में है कि कुरान करीम में गैर अरबी के अल्फाज मौजूद हैं या नहीं हैं। तो गैर अरबी के अल्फाज के कुरान करीम में वाक़ होने के बयान में फ़स्ल है। इसमें वही सारे बात आने वाली हैं जो मैंने बहुत पहले आपसे अर्ज़ कर दी थी कि कुरान करीम के अंदर एक किताब बिलाल आपने दिखाई थी ना, क्या है कुरान करीम में मुअर्रब, कुरान करीम में मुअर्रब अल्फाज तर्जमा है मुअर्रबुल कुरान होगा शायद। तो डॉक्टर सैयद अली मशरफ जायसी यहाँ के मानू के मौना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, अपने हैं माशाल्लाह लायक फायक, उन्होंने उसका तर्जमा भी किया है और शानदार हाशिया भी लगाया है उसमें। कुरान करीम में मुअर्रब अल्फाज के बारे में उन्होंने बताया, बात वही है गंभीर के जो है इन्होंने उसका जवाब दिया है। तो उसमें एक तफसीली बात है, यहाँ पे इन्होंने क्या है इख्तसार के साथ में चीज़ों को मलूस रखते हुए इन्होंने मुख्तसर अल्फाज में ये बयान कर दिया है। उस किताब के अंदर आप देख सकते हैं कुरान करीम में मुअर्रब अल्फाज, डॉक्टर सैयद अली मशरफ जायसी साहब इस वक्त काफ़ी लायक फायक आलिम ये हैं, आलिम भी हैं ज़बरदस्त हैं माशाल्लाह। इसमें उलमा कराम की तीन अक़वाल ही बयान करेंगे, कुछ का कहना है कि नहीं, कुछ का कहना है कि हाँ। एक तदबीर की सूरत निकालेंगे, अबू उबैद अल कासिम बिन सलाम ने कहा है इसको, जो मैंने पीछे बयान किया था, बाज़ ने कहा कि है, बाज़ ने कहा कि नहीं है, बाज़ ने कहा कि बैन बैन की सूरत निकाली थी। इसके साथ साथ कुछ अल्फाज बयान करेंगे जो कुरान करीम में क्या है वाक़े हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये अरबी की ज़बान के अल्फाज नहीं दूसरी ज़बान से आए हैं। तो चंद मिसालें उन्होंने पेश की हैं, इससे और मज़ीद मिसालें अगर आपको चाहिए तो कहाँ पाएंगे आप, अल इतकान के अंदर अला वजीर इतकान उमदा तरीके पर इमाम जलालुद्दीन सुयूती उसको बयान कर दिए हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। देखिए उन्होंने क्या लिखा, पढ़ते हैं। माँ वक़ाफ़ी ही बग़ैर लुगत अरब इख्तलफ अल अइमतु फ़ी वुक़ूइ अल मुअर्रब फ़िल क़ुरआन, कुरान करीम में मुअर्रब के वाक़े होने के सिलसिले में उलमा किराम का क्या है इख्तलाफ़ है, ख़िलाफ़ और इख्तलाफ़ में फ़र्क है, ठीक है। फ़र अक्सरून अक्सर का क्या कहना है, वमिनहुम इमाम अश्शाफ़ई वबन जरीर वबू उबैद वक़ाज़ी अबू बकर, क़ाज़ी अबू बकर ये अल इंतिसार के मुसन्निफ़ हैं, अल इंतिसार लिल क़ुरआन इनकी किताब का नाम है, वो शानदार है। वबन फ़ारिस अला आदम वक़ूई फ़ी, ये हज़रात क्या कहते हैं कि कुरान करीम में मुअर्रब यानी वो अल्फाज जिनकी तारीफ़ की गई, मुअर्रब इस मफ़ूल का सेगा है, जिनको अरबी बनाया गया हो, यह कुरान करीम के अंदर मौजूद नहीं है। दलील क्या है, अला आदम वक़ूई फ़ी फ़ी है फिल कुरान, दलील कौली तआला, क्योंकि भाई तआला का इरशाद किया कुरआनन अरबिया, जब कहा गया कुरआन अरबिया तो फिर अजमी क्यों हो जाएंगे, गैर अरबी कैसे हो सकते हैं। وقوله تعالى ولو جعلنا القرآن أعجمي لقالوا لولا فصل آياته أعجمي وعربي أعجمي دوسرا والا آئے گا وہ أعجمي, अगर हम कुरान करीम को अजमी ज़ुबान में करते तो वो ज़रूर बोल पड़ते कि क्यों नहीं इसकी आयतें तफसीर के साथ बयान की गई, ठीक है। अजमी और अरबी, क्या इसमें अजमी भी है और अरबी भी है? तो अरबी ज़ुबान के अंदर की दलील तो वाज़ेह अंदाज में हो रही, दूसरी क्या है कि अजमी ज़ुबान में अगर चीज़ें होती तो ये ऐसा कहते, इन्होंने इस तरीके का सवाल कुछ किया नहीं, तो मतलब क्या है अरबी ज़ुबान के अंदर मौजूद है। ये जो दलील पेश कर रहे हैं ना कि वलो जान लो कुरान आजमी लकालू लफ्ज़ आयातु, ये एक तरीके से मफ़हूम मुखालिफ से दलील पेश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको, अजमी ज़ुबान में उतारते हैं तो ये इस तरह के सवाल करते, इस तरह के सवाल अगर उन्होंने न किए तो मतलब ये कि वो अरबी में उतरे, क्योंकि ये इमाम शाफ़ई के पैरोकार हैं, उनके नज़दीक क्या है हमारे यहाँ भी मोतबर है, लेकिन किस में उबात के अंदर मुखालिफ मुराद है, इसके अलावा में नहीं है, कुरान सुन्नत में भी कर सकते हैं। तफसील आपको जाननी है, मजलिस शरी के फैसले के तहत शुरू में लिखा है मजलिस के जाबते या उसूल ऐसे कुछ है, अशरफ़ मुबारकपुर से निकला है, उसमें लिखा है उस्ताद मोहतरम ने वो तफसील के साथ में।
अच्छा वक़ा शद शाफ़ी अन्नकीरा अल क़ायल बिदालिका, इमाम शाफ़ी ने इसके क़ायलीन पर सख्त नकीर फरमाई है। तशदीद मतलब तशद्दुद, सख्ती का मुजाहरा फरमाना। जो आज़ाद कहते हैं कुरान करीम में क्या है, इसके अल्फाज मौजूद हैं, उन पर आपने नकीर फरमाया। अच्छा वक़ाल अबू उबैदा, अबू उबैदा का कहना क्या है, इन्नमा उन्ज़िलल क़ुरान बिलिसान अरबी मुबीन, कुरान करीम का नज़ुल क्या हो गया, फसीह अरबी ज़ुबान में हुआ है, वाज़ह अरबी ज़ुबान में हुआ है। अमन ज़ामा अन्नफ़ी गैर अरबी फ़कत आमन कौला, आपकी अरबी अच्छी हो जाएगी, इसको देख लो। जिस बंदे ने ये गुमान किया कि इसमें गैर अरबी भी मौजूद है तो उसने बहुत बड़ी बात कह दी। फ़कत आमन कौला, बात बात में आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप उस पर तोहमत लगा रहे हैं। फ़कत आज़म तल कौल, बड़ी बात कह दी आपने। वमन ज़ाम अन्न कदा बिन नबतिया, अन्न कदा इस तरह के अल्फाज, कदा आता ना अस्माए किनायात, कहता रहता कदा व कदा। जो बंदा ये कहे कि इस ऐसी वैसी आयत, बोलते ना ऐसी वैसी आयत, इस तरह की आयत क्या हो नबती ज़ुबान में है, या इस तरह के अल्फाज के नबती ज़ुबान से है, बा मिन के माने में फ़कत जज़ा, फ़कत अकबर अलकौल, तो उसने बहुत ही बड़ी बात कह दी। वो युकाबिल हाज़ अलकौल माजा अन बादहिम भी जवाज़ वक़ूल इदारे का, और इस कौल के मुकाबिल वो रिवायत बातें हैं जो बाज़ लोगों से आई हैं, जो क्या हैं गैर अरबी के वक़ूल के जवाज़ के कायल हैं, भी जवाज़ वक़ूल इदारे का, इदारे का समरत कौन गैर अरबी। तो ऐसा लगता है कि ये अक्सरून कह करके उनके मौक़िफ़ को थोड़ा सा तरजीह दे रहे हैं। अक्सर आइम्मा किराम का ये कहना है कि वक़ू कुरान शरीफ में गैर अरब का, गैर अरबी का नहीं है। अच्छा माँ जा अन अन बाद अक्सर है, उसको क्या लाए अन बाद बाद लोगों से क्या है इस तरह की चीज़ें आई हैं, लेकिन बाद में जो एक बात आ रही है उसमें जो उन्होंने तस्दीक दी है वो मुझे बहुत पसंद है, वही ठीक है। वान हुनाक अल्फाज़ गैर अरबियतिन इस्तेमाल अहल अरब, और ये कि यहाँ गैर अरबी के कुछ अल्फाज हैं जिन्हें अरब ने इस्तेमाल किया, और क्या हो गया वो जरत मजरत फसीह, वो सब के सब क्या हो गए फसीह के कायम मकाम हो गए, यानी फसीह के मकाम पर आ गए, कायम मकाम नहीं, फसीह के मकाम पर वो इस्तेमाल उनका होने लगा या फसीह के दर्जे में आ गए। तो वक़ा बिहल बयान हो व नज़ल कुरान, तो उसी के साथ कुरान करीम का नज़ुल हो गया, बयान और नज़ल कुरान दोनों की चीज़ें, तबियान लिकुलेशन है, बयान हमें नाजिल किया तो बयान और कुरान दोनों चीज़ें। दो दो तरह के अखबार आपके सामने गुजर चुके हैं। अब आखिरी बात क्या है देखें, वक़ाल आखरून और कुछ और लोगों ने क्या कहा, कुल हादिल अल्फाज अरबियतुन सिर्फा, ये सारे के सारे अल्फाज क्या हैं वो खालिस अरबी हैं, जो कुरान शरीफ में दिखाए जाते हैं कि गैर अरब से आए हैं। कैसे भाई, वलाकिन लुगत अरब मुत्तसिआत जिद्दा, लेकिन मामला ऐसा है कि अरबी की ज़ुबान बहुत वसी व आरीज़ है, अर्दुहा का अर्दुस समा, इतनी वसी व आरीज़ है कि जिसके बारे में क्या कहा गया आगे देखो बात, अगर इसको याद कर लीजिएगा। वला यह बहुत अनतखफिया अलल अकाबिर जुल्ला, खफिया हो अनतखफा कर लो, या लगा दिया इसमें मेरी किताब के अंदर, इसलिए इसको पढ़ा जा रहा है, जो या पढ़े नहीं जाते इसके ऊपर दो नुकते नहीं लगाए जाते हैं, उसूल यही है। वला यह बहुत अनतखफा अलल अकाबिर जुल्ला, कोई बैद नहीं है कि हमारे अकाबिर बड़े बड़े अकाबिर से क्या हो जाए, इस तरह के अल्फाज पोशीदा रह जाएँ, उनके माने को पता ना चले। क्यों, इस पर एक दलील दे रहे हैं, इनकी क्या बात है, खुद सहाबी रसूल जिन्हें अल्लाह के रसूल ने क्या क्या कि अल्लाह इन्हें क्या है तफसीर का इल्म अता फरमा, जैसे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के बारे में है ना, और भी वक़्त खफिया आलम ने अब्बास माना फातिर वफात के साथ पीछे गुजर चुका है, जबकि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के ऊपर क्या हो गया फातिर वफात का माना मख्फी रह गया, पोशीदा रह गया, पीछे आया बेटा आपने पढ़ चुका होगा मारिफत गरीबी के तहत पीछे को बात गुजरी है, वहाँ जाके देख लेना। अच्छा इसके बाद क्या करें, काला शाफ़ी फिर रिसाला, इमाम शाफ़ी ने अपनी किताब रिसाला में क्या कहा है, ला युहीतु बिल्लुगा इल्ला नबीयुन, बिल्लुगा ही बिल्लुगा अल अरबिया, अरबी ज़ुबान ऐसी है कि जिसमें नबी के अलावा कोई भी उसका अहाता कर ही नहीं सकता। इसी वजह से जगह जगह मकाम पर आप देखेंगे सहाबा कराम ने फरमाया या रसूल अल्लाह आप मन अदबा का, आपको किसने अदब सिखाया, अदबा में जो बोलते ना अदब, अदब में एक घंटी है, तो अदब का जो माना हम यहाँ लेते हैं वही माना उस हदीस पाक के अंदर है, मन अदबानी रबी वासना तादीबी के अंदर, उस हदीस पाक से मेरा गुमान है
हमारे बुजुर्ग दिन ने अदब का एक फ़न बनाया है। अलमकासिदुल हसना के तहत इस सिलसिले की और भी हदीसें जमा की गई उन्होंने। एक वाक़ उसमें लिखा है कि एक जगह गुजर रहे थे ऐसे थे मेरे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो देखा है कुछ लोग तीरंदाजी कर रहे हैं। तीरंदाजी में पूछा आपने क्या कर रहे हो, तो उन्होंने उसमें जुमला कहा था तो उसमें इन्ना की इसमें उन्होंने रफा दे दिया था। वो अल्फाज मुझे इस वक्त याद नहीं है। आपने फरमाया तुम्हारी जो तीरंदाजी है तो वो गई गुजरी तो है ही है, ज़ुबान तो उससे भी गई गुजरी है। बुरे अल्फाज हैं उसमें, इसमें अलमकासिदुल हसना के तहत। इसको ज़रा आप लोग आसानी में मत लीजिए, उर्दू भी बोलते हैं तो अजीब लगता है यार, सलासत है ना कुछ है भाई, आपके पास तहरीर नहीं है, बोल विशेष नहीं पा रहे हो, तहरीर भी ठीक नहीं है तो कैसे पहुँचाओगे लोगों तक? किताब पढ़ाते पढ़ाते रहेंगे पता चला कि तर्जमा करना चाहिए था सलासत का, जल्दी समझ में बच्चों को आ जाए, वो ऐसा गाढ़ा वाला तर्जमा हो जा रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत हो सकती है फिर आपको। यही चीज़ें हैं कि थोड़ा धीरे धीरे उसको आप मेंटेन कीजिए। चलें अब तीसरा वो कौल जो तत्बीक वाला है, वह सवाबों के ज़रिए से अबू उबैद कासिम बिन सलाम ने उसको लिखा है, मुझे ये पसंद भी है। देखो क्या कहते हैं, देखो ज़रा सा, वक़ार अबू उबैद अल कासिम बिन सलाम व सवाब इंदी, सवाब का मुखालिफ होता है क्या? गलत, मेरे नज़दीक दुरुस्त यही है। तो पीछे जो बात तो गुजरी दो कौल, उसमें तीसरा कौल है क्या? देखो अन हादील अहरूफ़ असूल व आजमिया कमकाल फ़ुका, पहले भी कहा हूँ कि ये जो हरूफ जो बयान किए जाते हैं इनकी जो असलें हैं ना, ये असल बुनियाद असल कहाँ से आए हैं, जड़ असल में तो ये क्या है, अजमी ही हैं। कमकाल फ़ुका जैसे क्या फ़ुका कराम ने इसको कहा है, फ़ुका कराम की जमात का कहना यही है कि अल्फाज है क्या अजमी वगैरह पुराने के मौजूद हैं, लगाबीन थोड़े कुछ अलग अलग इख्तलाफ़ करते हैं। लेकिन ना वक़ात लिल अरब, लेकिन क्या हो गया ये अल्फाज अरब के हाँ आ गए, अरब के लिए वाकई हो, मतलब क्या हुआ अरब के हाँ ये आए इस्तेमाल में आए भाई अपने आप को लेकर के, अरब वालों के पास आए कि कुछ इज्जत हमें भी दे दो जो पहले बयान किया हूँ। फार रबत हा बे अल सनत हा वह वलत अन अल्फाज आजमी इला अल्फाज हा। अब यहाँ क्या कहना चाहते, अरब ने क्या किया, तो अरब ने उसे अपनी ज़ुबान में क्या कर ली, अरबिया दी उन्होंने, मतलब क्या कर दिया अरबी में उसको, अरबी बना दिया उसको अपनी ज़ुबान के अतबार से, अपनी ज़ुबान में उससे अरबी कर दिया अरबों ने, और उसे अजमी अल्फाज से अपने अल्फाज की तरफ क्या कर दिया, फेर दिया। आपके इम्तहान में आया था ना वह बिलू उर्दिया फेरने के माने में, फसारत अरबी यतन, तो क्या हो गए वो सब के साथ अरबी हो गए। तुम नज़ल कुरान तुम मलिक तराखी, फिर क्या हो गया कुरान करीम का नज़ूल, वही अल्फाज जो अजमी थे जब अरबी के कालब में ढल गए फिर उसमें कुरान शरीफ का नज़ूल हो गया। तो कुरान शरीफ का नज़ूल हुआ जबकि क्या हो गया ये हरूफ कलाम अरब में क्या हो गए थे, घुल मिल गए थे, इख्तलतत हादिल हरूफ बिकलाम अरब, घुल मिल गए थे ना, घुल मिलना। फमन قال अब यहाँ से तदबीक, जिसने ये बात कही इन्नहु अरबियतुन फहुवा सादिकुन, जो लोग ये कहते हैं कि ये अरबी हैं वो भी ठीक हैं भाई। फमन قال आजमिया फसादिकुन, जिन्होंने कहा क्या है आजमी वो भी क्या है ठीक है। वमा इला हादल कौल अल जवारिकी वमन जौजी व आखरून, और यही वो कौल है जिसकी तरफ जवारिकी मुसन्निफ़ इनका तस्करा पीछे आ रहा है, और इब्ने जौजी ये भी ज़बरदस्त गुजरे हैं कुर्रा में से, बड़े बड़े आलिम गुजरे हैं मुफस्सिर भी हैं, और इसके अलावा दीगर हजरात हैं जिन्होंने क्या किया है इस कौल को लेना पसंद किया है, और देखा जाए तो यही दरअसल क्या तकलीफ की सूरत बनती है और वही बेहतर है। मैंने मिसाल बताई थी ना आप लोगों को, चीज़ें वायरल हो रही हैं दिक्कत आ रही हैं, यह मुमकिन है कि एक ज़ुबान का दूसरी ज़ुबान से लेना देना का मामला इतना आसान होता है कि एकदम गाड़ी चलती रहती है। चलें तो यहाँ तक क्या हो गई है, माँ वक़ाफ़ी ही बग़ैर लुग़त अरब के हवाले से जो बातें थी वो बातें तकरीबन फ़ाइनल हो गई। कुछ मिसालें अब आपके सामने बयान करने जा रहे हैं, क्या मिसालें, फ़ादी अमसलतुल लितिलकल अल्फाज, चंद मिसालें हैं जल्दी देखें आप किस ज़ुबान के अल्फाज हैं यहाँ पे क्या आ गए हैं, ये तो चंद ही मिसालें हैं, इसके अलावा तफसीर अगर आपको चाहिए तो कहाँ देखेंगे, अलितकान के अंदर अला वजील इतकान उसके अंदर मौजूद है। चलें क्या लिखा है, अबारिक है हकल तारबी फी फ़िक़ल लुगा अन्ना फ़ारसी, फ़िक़ल लुगा में तालबी ने लिखा है कि ये क्या है फ़ारसी का लफ्ज़ है,
ठीक है। जवाल की जगह ना ऊपर आया, वो कहते हैं इबरी कहते हैं फारसी, इबरी फारसी मुअर्रब, फारसी मुअर्रब है यानी असल फारसी है और इसको क्या कर लिया है अरबी, अरबी बना लिया गया है। इसका माना क्या होता है, तरीकुल मा और सब्बुल माई आलल हजीना, पानी का जो टूटी होता है ना टूटी, जैसा ये लोटा है पानी डालने के लिए अलग से उसके बाहर निकला तो उसको कहते हैं तरीके माँ, टूटी को कहते हैं। या औ सब्बुल माई आला हजीना या आहिस्ता आहिस्ता नरमी के साथ में पानी उंडेलने के भी माने ये आता है, इस्तेमाल होता है, इब्रिक का माना होता है। वाबारी कासिम मिमैन कौनशिम में आया है। अब्बुन, अब के बारे में घर को पता होगा, अब मुशद्दद वाला है उसके बारे में बता रहे हैं क्या है। काल अबादुम, बाज ने कहा गोबल हशीश, हशीश का मतलब खुश्क घास को कहते हैं। बेलोगती आलिल गर्ब, गर्ब मतलब मगरबी ज़ुबान के अंदर है ना, अरब के अलावा ज़ुबान में, अरब के अलावा जितने सब गर्ब है सब गर्क हैं गोया के। हकाउ शहीदला, शहीदला ने क्या कहा इसकी हकायत की है, कुरान में अबलई है, कुरान में क्या है ये वकील या अदुब लई या अदुब लई, देखो यह है हशीश खुशगा जी। इब्ने अभी हातिम वहाब बिन मुनब्बे से बारी तआला के इरशाद, वही लिखा है या अदुब लई माँ आक, ये हबशी ज़ुबान में कहते हैं क्या, ये मुझे भी समझ में आया क्या लिखा है इस दर दे क्या पता नहीं अल्लाह ने, मुझे नहीं पता भी है, हबशी ज़ुबान तो आती नहीं। तो अब इब्लई का माने क्या होता है, तो कुरान शरीफ के बारह नंबर पारा में देख लेना, जो माने उसका आता है वही माने इसका यहाँ पे आता, ठीक है। बारह नंबर बारह में है ना, वकील यारत बुलाई माँ के वजह समाओ अकली शायद जज्ब करने के मान में आता है। अच्छा कुरान शरीफ में ना अखलदा इलल अर्द वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्द, और भी कुछ आया है अखलदा, अखलदा के बारे में ही सुवैलुल कुल्ले हुमजतुल लुमजा। वासिती ने इरशाद में लिखा है कि अखलदा इलल अर्द का माना है राकाना बिल इबरिया, इब्रानी ज़ुबान में क्या मायल होने के माने में, ला तरकनु इलल लदीन ज़लमू फतमस्सकुन नार, ज़ालिमों की तरफ मायल मत हो उसी तरफ, इबरी ज़ुबान के इब्रानी ज़ुबान के अंदर। अराइक के बारे में इब्ने जौज़ी ने फ़नून अफ़नान, ज़बरदस्त किताब है फ़नून अफ़नान, मुझे तो उतना ताज्जुब हुआ कि यार एक बंदा उस ज़माने में जहाँ ना कंप्यूटर है ना कुछ है, एक एक हर्फ को कैसे गिना होगा, क्या हमारे उलमा ने काम किया अल्लाह का, यहाँ तक लिख डाला कि बताओ बा कितने मकाम पर आया है, वहाँ को कंप्यूटर वम्प्यूटर था कुछ लोगों का, उनका जहन ही कंप्यूटर था इस तरीके से, समझ में। इस पर जब हम लोग भरोसा करने लगे ना तो क्या हो गया, चीज़ में कल्ब मकानी हो गई, कल्ब मकानी मतलब दिमाग हमारा जो जैसा काम करना चाहिए था सारा जोर इस पर लगा दिया, वो बेचारा काम कर रहा है जी। मोबाइल की जो ना रेडिएशन वगैरह से बहुत नुकसान है, इसको बचा कीजिए आप लोग, ज़रूरत के टाइम उसको रखा करें, इधर उधर ना हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं जी। हाँ कल मैं उसको देख रहा था, थोड़ा रिसर्च कर रहा था, दिमाग मेरा घूम गया मुझे अल्लाह ऊपर, इसके चक्कर में किताब मुताले में नहीं होते। 2017 से पहले पहले जब मेरे पास मोबाइल था नहीं, छोटा वाला था वो डब्बा, मुझे लगता था कि वही मेरी पढ़ाई हुई, उसके बाद मोबाइल आया भाई इस पर तो कितने हज़ार इंग्लिश के वर्ड देख चुका हूँ, दिमाग में ही नहीं, लेकिन जो उठा करके इस डिक्शनरी में खोल के देखा हूँ अभी दिमाग में, अभी दिमाग में वो बता सकता हूँ, लेकिन इसमें जो किताबें मैंने पढ़ी वो ऐसे गायब है तकरीबन, इंग्लिश में जो वर्ड देखा फटाफट देख लिया वो भी गायब है, धुंधला सा हो गया तकरीबन। तो वक्त ऐसा नहीं हमारा, वो ये वक्त बचाता है, बचाता नहीं वक्त को, वो चाटता है, और एक ही चीज़ को अगर हम एक मरतबा लोगों को खोल के देखते हैं थोड़ा टाइम लगता है, दो चार मिनट वो काम हो जाता, एक बात के लिए हमेशा वो महफूज, अब क्या हो गया वही चीज़ बार बार देखने जाए मोबाइल, हाँ मारा देख लिया अच्छा इसका ये मान दो, फिर भूल गया फिर दोबारा मोबाइल में मारा, एक ही चीज़ को मोबाइल में देखने के लिए 10 मरतबा देख रहे हैं, वही चीज़ अगर आप किसमें देखते थे आप खारिज में एक मरतबा देखते हैं 2 मिनट लगता है, इसमें क्या होता है 10 मरतबा देखते हैं 10 मिनट लग रहा है, ये मोबाइल वक्त बचा रहा है क्या, वक्त खपा रहा है आपका, बजाय दिख रहा है कि हमारा वक्त क्या हो रहा है जा रहा है, जाता नहीं है वो मोबाइल के अलावा में वक्त और बचता है, और वो चीज़ बहुत पायदार है, ठीक है। चलो देखो इस तबरक अच्छा हो अराय के बारे में जौज़ी ने फ़नून अफ़नान में लिखा है कि इसको क्या कहते हैं, हबशी ज़ुबान में तख्तियों को कहते हैं, शरीर की जमा सुरूर,
सुरूर मरफुआ, फिर सुरूर क्या है, सुरूर मरफुआ इस्तबरक कई जगह आया है, सूरे रहमान में भी है। इब्ने हातिम ने हाक से कहा कि एक अन्नो दीबाजुल गलीज, दबीज मोटे रेशम क्यों कहते हैं ये बिलुगत इलाज मजबूत ज़ुबान में। अच्छा, असफ़ार के बारे में वास्ते ने इरशाद में लिखा है कि यल कुतुब बि सुरियानिया, सुरियानी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं, किताब को कहते हैं न, मसलुल्लज़ीन उमिलु तौरात क्या है, असफ़ारा है ना, असफ़ारा सूरह जुमा के अंदर इसरी, इसरा है ना कुरान में, इसरी भी आया है। अब कासिम ने लुगातुल कुरान में कहा इसका माना है आदो पैमाना है निपती ज़ुबान के अंदर। अक्वाब कहते हैं इब्ने जौज़ी ने लिखा है कि इसको कूज़ों को कहते हैं ना निपती ज़ुबान में, प्याले कूज़े, अना सागर जैसे क्या है प्यालों में ला करके जमा कर दिया था कूज़। इनाह का मतलब होता है पकना, पका हुआ अहल गरब की ज़ुबान में यानी मगरब ज़ुबान में। अबू शेख इब्न हिब्बान ने इकरमा के तरीके से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत की कि अव्वाहुन का मतलब होता है अलमुकिन, यकीन करने वाला, है ना, इन्नहु अव्वाहुन मुनीब, अव्वाहुन हलीम भी है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बारह बार मौजूद है, अल्लाह से झगड़ने वाले के माने भी इस्तेमाल हुआ है एक जगह। अलमुकिन बिलिसान हबशा, हबशी ज़ुबान में यकीन करने वाले के माने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक के क्या तकरीबन आपने जी अव्वाहुन इनाहुन हो गया, नज़जुन, नज़जुहू पकना, ठीक है, कुछ अल्फाज इन्होंने आपके सामने क्या कर दिए, दे दिए गए। मुमकिन है कि इन अल्फाज को आपको दे दिया जाए और कहा जाएगा कि ये अल्फाज बताएं किन किन ज़ुबान में आए हुए हैं, अल्फाज ही दिए जाएंगे और बाकी तफसीलात आपसे पूछ ली जा सकती है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि अल्फाज दे दिए उसमें कहीं ली दिया वहाँ पर फारसी है, निपती है, अरबी है, कहीं लगा दिया बंगाली है, वो भी हो सकता है कि हमारे ज़माने में भी क्या है उसमान नाम दे दिया, उसमें आपको शेयर करना रहेगा, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स के तौर पर भी इसको चेक किया जा सकता है आपने क्या पढ़ा, ठीक है। एक सवाल इस तरह से भी आप बन सकते हैं आपका, आगे और पढ़ा दूँ क्या, दो मिनट बाकी बढ़े आपके, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में पढ़ेंगे, सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला यकफी कवायद महिमा, यहाँ से बड़े बहुत अहम अहम बातें आ रही है तफसीर में, आपको मज़ा आना चाहिए इंशाल्लाह, ठीक है, कल इंशाल्लाह पढ़ते हैं।